हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं कि 10-10 पोर्टल गेटवे का इफ़ेक्ट क्या नज़र आता है। मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी एनर्जी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो टैरो विद एम सिंह को ज़रूर फॉलो करें और देखें। और आज हम देखेंगे इस चैनल पे रून्स से और टैरो से, दोनों से हम देखेंगे कि कलेक्टिव इफ़ेक्ट्स क्या निकल कर आता है। तो आज मैं रून स्टोन्स यूज़ करूँगी, कार्ड यूज़ नहीं करूँगी। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अपने अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, कलेक्टिवली उस पर्सन पर इस पोर्टल गेटवे का क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है उरूस की। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन काफ़ी समय से डर रहे हैं। राइट है या रॉन्ग है कमेंट में बताते जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितनी रेजोनेट कर रही है एनर्जी। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके काफ़ी टाइम से, और वो स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ही बैकआउट किए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, नर्चरिंग की एनर्जी है, आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन इनके अंदर ताकत नहीं है। किस चीज़ की ताकत नहीं है? या तो ये खुद से डर रहे हैं, अपनी परिवार से डर रहे हैं, या समाज से डर रहे हैं, या इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई अदर सिचुएशन है, उस सिचुएशन से, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी एनर्जी यहाँ पर ऐसी नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टेप ले रहे हैं, या आपको अपने परिवार से मिलवा रहे हैं, आपको अपने परिवार में एटलीस्ट इतना बोलने का गट्स काफ़ी लोगों के पर्सन में नहीं है कि हाँ मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहता हूँ या ले जाना चाहती हूँ। तो ऐसा कितने लोगों के पर्सन ने किया है कमेंट में बताइएगा, कि क्या आप अपने पर्सन के घर गए हैं, क्या आप उनके परिवार से मिले हैं, नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ लवर, कि हाँ मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ। बाकी बात की बात है कि मतलब शादी होगी नहीं होगी, बट मूवमेंट यहाँ पर अगर नहीं था ना, तो काफ़ी लोगों के लाइफ में इस पोर्टल गेटवे के बाद मूवमेंट दिखेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है, वी हैव बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। आप दोनों को इस पोर्टल गेटवे के दौरान या मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर आपको ऐसा ड्रीम्स आ सकता है जिसमें आपको कोई फ्यूचर नज़र आए कि हाँ इमीडिएटली आपके लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, क्या कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं ड्रीम्स में या नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं। अब जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स आए जिसमें नेगेटिविटी हो, कहीं पे किसी की हत्या हो रही हो, या बटरफ्लाई, अभी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि मैम बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, वो भी मरी हुई, ठीक है। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सब बहुत बड़े चेंज का, बहुत बड़े शिफ्ट का प्रतीक माना जाता है। और नेगेटिव ड्रीम्स होते हैं ये, कई बार लोग डर जाते हैं, घिन आ जाती है कि अरे यार क्या दिख गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद विद इन 15 days आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बदल रही हैं, इस पर आपको बहुत फोकस करना है, अपने इंट्यूशन को बहुत पावरफुल रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि ईगोइस्टिक है, मतलब आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं, आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं, आपके पर्सन का स्टेटस हो सकता है, उनकी रेपुटेशन हो सकती है, उनका खुद का एटीट्यूड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ईगो की वजह से या किसी ऐसी ईगोइस्टिक पर्सन की वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को मूवमेंट दिखेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में सन की एनर्जी है, 10-10, ठीक है। तो 1 की एनर्जी यहाँ पावरफुल है,
और वन नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, वन नंबर न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, वन नंबर आपकी लाइफ में अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में रिकॉग्निशन, नेम, फेम, अबंडेंस सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके लाइफ में इस 10-10 पोर्टल की एनर्जी के बाद आपके और आपके पर्सन की लाइफ में वाइस वर्सा अगर ये चीज़ें होती हैं कि बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है, रुके काम बनने लग रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप असेंशन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अलाइन हैं और चीज़ें बहुत पावरफुली आप रिसीव कर रहे हैं, एनर्जी बहुत पावरफुली आप रिसीव कर रहे हैं। इसके उल्टे अगर असर पड़ते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप ब्रेकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो समझ लें कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं, उल्टी नेगेटिव जा रही हैं। अभी भी आपके लाइफ में काफ़ी कर्मा हील करना रह गया है, ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन है, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में मार्गदर्शन मिलेगा, किसी गुरु किसी गाइड के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं इमीडिएटली। वाह, रीयूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत जल्द क्विक एनर्जी है और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा शांत रहेंगे बट मूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज है, मेरे ख्याल से 15% to 20% लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पर्सन कोई एक्शन ना लें, बिल्कुल साइलेंट जोन में रहें। और ये भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा कहें कि यार हमारे रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, और या तो फिर किसी बात पर बहस हो जाए और चीज़ें ख़राब हो जाएँ, ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ होगा, बिकॉज़ यहाँ वार्निंग एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अपने रिश्ते को इस 10-10 पोर्टल के दौरान या इस 10-10 पोर्टल के ठीक बाद। किसी के साथ अगर ये चीज़ें होती हैं तो उनके लिए रेमेडी क्या है, सिंपल उपाय है, सूर्य की आराधना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता ख़राब ना हो या ख़राब हो चुका ऑलरेडी, तो सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह सुबह। ये नहीं कि आप 10 बजे नहा रहे हैं और 11 बजे जल दे रहे, नो। अगर आपको सूर्य की उपासना करनी है, कोशिश कीजिए 7:30 तक मैक्सिमम 8 o'clock, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जाड़ा आ रहा है, तो आप 8 o'clock तक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ गर्मियों के सीज़न में तो 6:37 सूर्य के मंत्र का जाप करें, ठीक है। साथ ही साथ केसर हल्दी का तिलक लगाएं, पीला चंदन डाल के रख लें एक बाउल में, और सूर्यदेव की पूजा करके आप तिलक लगा सकते हैं, और वही तिलक श्री रामचंद्र जी को भी लगाएं, हनुमान जी को भी लगाएं, ठीक है। पीला चंदन आप शिव जी को भी अर्पण कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और ये अगर फिर भी सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो समझ जाना कि आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा था जो रिलीज़ हुआ। अदरवाइज़ अगर डेस्टिनी में होगा तो ये उपाय करने से वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यूनियन नज़र आ रहा है और बहुत जल्द नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 9 की है, तो ये जो रीडिंग है ये 9 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग 5 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। 5 to 9 डेज के अंदर ये 10-10 पोर्टल का असर आपको नज़र आने लगेगा। मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, जो दिखी मैंने आपको बता दी, ठीक है। टैरो से हम सिर्फ एक्शन लेंगे, क्योंकि एनर्जी मैंने आपको पूरी बता दी है इस पोर्टल गेटवे की, और मॉर्निंग में भी बताई हुई है, तो एक ही चीज़ दो बार बताने का कोई मतलब है नहीं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना मेजर चेंजेस, पावरफुल चेंजेस, डेथ विद द पावर एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये 10-10 पोर्टल एंडिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। किसकी एंडिंग? यहाँ पर कार्मिक रिलीज की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड लेंगे और कर्मा को हील करेंगे, रिलीज करेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। साथ ही आने वाले समय में ग्रहण भी लग रहा है, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण नहीं है, सूर्य ग्रहण है, तो आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। आपके पिताजी, फादर या मदर, इनकी हेल्थ पर बहुत बैडली इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि सडनली किसी बड़े की डेथ होने लगे आपके घर में, किसी दादाजी, नाना जी,
इस तरह की न्यूज़ भी आपको इस दौरान सुनाई देगी, क्योंकि ग्रहण है और सन का ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स है, साथ ही साथ केतु द्वारा ग्रहण है। ठीक है, तो केतु क्या है? ओल्डर एनर्जी है, तो ओल्डर जो एनर्जीज़ हैं उस पर ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा। प्लस आपके घर में माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, ओल्डर लोग जो आपके घर के हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनको बिना बात के गुस्सा आ सकता है, बिना बात के चिड़चिड़ाहट हो सकती है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ईगो में हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा। स्पेशली अगर आपका लियो है, लियो राशि है, लियो लगन है, तो आपको अजीब सा एटीट्यूड रहेगा, मतलब इवन आपके लोअर बॉडी पार्ट में पेन बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पे। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या आपके घर में कोई लियो है तो ज़रूर बताइएगा। स्पेशली देखिए आज कौन सी तारीख है, 10 है, 7 दिन तक इसकी एनर्जी बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। मैंने आपको 5 से 9 दिन बोला है, बट कलेक्टिवली 7 दिन की एनर्जी है और 7 दिन तक ये एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क करेगी। इस दौरान गुस्से में कोई स्टेप मत लीजिएगा, अदरवाइज़ ब्रेकअप होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। सो ये थी गाइस एनर्जी, देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए 10-10 पोर्टल की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला ही है बाउंड्रीज़। एक बाउंड्री अगर आपने या आपके पर्सन ने सेट करी थी तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उस बाउंड्री से आगे निकलकर आपके लिए एक्शन लेंगे। इंटेंसिफिकेशन की एनर्जी है, एनर्जी इंटेंस रहेगी, बहुत सारी जो लाइफ में आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटीज़ हैं रिलीज़ होंगी किसी न किसी वे से। आपके गार्जियन एंजल्स आपको नज़र आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं आपको गार्जियन एंजल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका अगर स्पिरिट एनिमल अ स्नेक है या एलिफेंट है या कैट है या फ्रॉग है, जो भी आपका स्पिरिट एनिमल है वो भी आपको नज़र आ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैम स्पिरिट एनिमल्स के बारे में भी बताइए, तो मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं अक्सर ही अभी इस पर एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ चल रही हैं उस चैनल पे, मेरे जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी अभी सीरीज़ चल रही है, तो मैं एक एक करके सब कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वन मोर कार्ड, फायर पैशन। देखिए मंगल और केतु ऑलरेडी लिब्रा में है और ग्रहण भी लगने वाला है, कन्या और लिब्रा पर तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ही, इसके अलावा जिसका लियो है साइन उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फायर से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देगी। ऑलरेडी मैंने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही बता दिया था अनएक्सपेक्टेड में कि आने वाले समय में फायर से रिलेटेड खबरें बहुत ज़्यादा आएंगी, और आपने देखा कैसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर फायर ही फायर है, हर जगह अग्नि ही प्रज्वलित हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती हैं, क्योंकि ग्रहण है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी जो है वो पावरफुल तरीके से एक्शन में रहेगी। अब ये एक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है, कर्मा पे डिपेंड करता है, बट एक्शन ओरिएंटेड आपको दिखेगा। सो ये जो ओवरऑल इफेक्ट है 10-10 पोर्टल का आपके सामने आएगा, अच्छा इफेक्ट भी आएगा, बैड इफेक्ट भी आएगा, अब आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको जज करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।